नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ट्रेडर्स हैं उसमें जो मेन टर्म्स यूज़ होती हैं क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है उसमें जो मेन टर्म एब्रिविएशन यूज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो एब्रिविएशन यूज़ होती है अगर आपको पता हो तो आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जो नए बिगिनर्स हैं जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस जानकारी को कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए, और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट टर्म है HODL। HODL का मतलब क्या है? ठीक है, HODL का मतलब है होडल। होडल का मतलब होल्ड करना। कोई कॉइन आपने बाय किया है, अगर वो डिप में जा रहा है तो उसको होल्ड करके रखिए और सही टाइम का वेट कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी का, उसके बाद आप उस कॉइन को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो होडल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। सेकेंड है अल्ट कॉइन। अल्ट कॉइन का मतलब ये है कि बिटकॉइन को छोड़ के जितने भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है उन सबको अल्ट कॉइन का नाम दिया गया है, छोटे कॉइन। अल्ट कॉइन का मतलब है छोटे कॉइन। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फोमो। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या है कि दोस्तों जब भी कोई कॉइन हम खरीदते हैं तो उसका रेट बढ़ता रहता है और उसके संभावना और रहती है, तो उस टाइम फोमो बोलते हैं, और उस पर हम खरीद भी सकते हैं कॉइन को फोमो का प्रॉफिट लेने के लिए। तो इस चीज़ को बोला गया है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि एक कॉइन का रेट हाई हो गया है, 5 से 10 रुपये हो गया है, 10 से 15 रुपये जाने की संभावना है, तो उस चीज़ को बोलते हैं फोमो। उसके बाद है जोमो। जोमो का मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट। मिसिंग आउट का मतलब क्या है कि जस्ट लाइक बुलेट है, जस्ट लाइक कोई भी कॉइन पंप होता है और उसके बाद उसका बिल्कुल चांस रहेगा डाउन होने का, बिल्कुल डंप होना, तो उस चीज़ को कहते हैं जोमो। उस कंडीशन में आपको कॉइन नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है मून। मून का मतलब क्या है कि जब किसी भी कॉइन का जो प्राइस है वो टॉप मोस्ट सिचुएशन में जाने की क्रिया को बोलते हैं मून कॉइन। मून, मून का मतलब उसका जो प्राइस है एकदम से पंप हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, उस कॉइन का रेट का फ्लक्चुएशन को बोलते हैं मून। उसके बाद आता है बैग होल्डर्स। बैग होल्डर्स का मतलब ये है कि समवन होल्डिंग ए लॉट ऑफ कॉइन्स इन द होप दैट इट विल गो अप इन फ्यूचर। यानी कि बैग होल्डर्स में क्या है कि आपको वो कॉइन अपने पास रखते हैं जिनका फ्यूचर में आपके पास अगर न्यूज़ है तो प्राइस अप होने की संभावना रहे। नेक्स्ट होता है शिट कॉइन। शिट कॉइन का मतलब होता है वर्थलेस, वैल्यूलेस कॉइन। आपको वो कॉइन बिल्कुल बाय नहीं करना है जिसका प्राइस बढ़ने की संभावना नहीं है, ना के बराबर। नेक्स्ट है डंपिंग। डंपिंग का मतलब डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट ऑफ ए डिसीजन टू सेल ए कॉइन। जब कोई कॉइन डाउन में होता है तो उसको बोलते हैं डंपिंग, या उस कंडीशन में आप उसको सेल कर सकते हैं विदाउट प्रॉफिट। नेक्स्ट है DYOR, डू यूअर ओन रिसर्च। किसी भी कॉइन को खरीदने और बेचने से पहले आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए और मार्केट से न्यूज़ गैदरिंग करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म नेक्स्ट है फड। फड का मतलब फियर अनसर्टेनिटी डाउट। जो भी बिटकॉइन का प्राइस मैनिपुलेशन है उसमें फड क्रिएट होता है। लोट ऑफ बिटकॉइन की जो प्राइस है उसको अप और डाउन करने के पीछे फड का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। फियर किया जाता है तो प्राइस डाउन भी होता है। वेल्स का मतलब ये है कि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास हज़ारों की लाखों की संख्या में बिटकॉइन्स हैं और वो अपना प्रॉफिट निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम मार्केट में फड क्रिएट करके, उसको बोलते हैं वेल्स। ठीक है, ए सुपर वेल्दी ट्रेडर विद ए लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, उसको बोलते हैं वेल्स। नेक्स्ट है माइनिंग। माइनिंग क्या है कि दोस्तों एक प्रोसेस है एक प्रकार की, जितने भी ब्लॉकचेन के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं, वो उन चीज़ों को माइनिंग करते हैं और उनको रिवार्ड में बिटकॉइन मिलता है, उस चीज़ को बोलते हैं माइनिंग। वो जो अपनी कंप्यूटर पावर इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ के प्रॉफिट में उनको बिटकॉइन मिलता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं माइनिंग। तो आपको अच्छी तरह से माइनिंग की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। लॉन्ग का मतलब ये क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक किसी भी कॉइन को होल्ड करना लॉन्ग टर्म तक अगर आपके पास न्यूज़ है तो। नेक्स्ट है RETT, व्हेन ए कॉइन गोस डाउन शार्पली एंड यू हैव ए बैड लॉस। जब आपके पास कोई कॉइन खरीद रखा है और वो एकदम में डाउन चला जाए तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, उस चीज़ को बोलते हैं RETT। लैम्बो। लैम्बो का मतलब क्या है कि काफ़ी लोग होते हैं जो कॉइन खरीदना चाहते हैं जब वो उनका ग्रुप होता है बहुत बड़ा तो रिच होने के लिए, उसको बोलते हैं लैम्बो। स्विंग का मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ ए कॉइन अप एंड डाउन एट ए रैपिड रेट। रैपिड रेट से किसी भी कॉइन का अप एंड डाउन होता है तो उसको बोलते हैं स्विंग। पंपिंग में क्या होता है,
पंपिंग में क्या था, किसी भी कॉइन का जो प्राइस है वो बढ़ जाए एकदम से, उसको बोलते हैं हम पंपिंग, और वो सडनली डाउन हो जाए, तो जो बढ़ने की प्रक्रिया है उसको यहाँ पे बोलेंगे हम पंपिंग, राइट। नेक्स्ट बेयरिश, बेयरिश का मतलब क्या है कि किसी कॉइन के बारे में आपको जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको बोलते हैं बेयरिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस, बेयरिश। नेक्स्ट है बुलिश, ठीक है, बेयरिश आपको समझ में आ गया। बुलिश का मतलब क्या है कि कॉइन का जो न्यूज़ है वो अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आप कॉइन बाई कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बेयरिश एंड बुलिश इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों के दोनों, एक में नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट होती है, एक में पॉजिटिव न्यूज़ क्रिएट होती है। उसके बाद आता है एक्सचेंज, एक्सचेंज कोई भी वेबसाइट है आपको खरीदना और बेचना क्रिप्टो करेंसी का निर्धारित करती है, उसको बोलते हैं हम एक्सचेंज। फिएट का मतलब जो भी करेंसी है गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो, इशूड बाय गवर्नमेंट हो, उसको बोलते हैं फिएट, जैसे रुपीज़, डॉलर। टी ए टेक्निकल एनालिसिस, ए टी एच मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई इसको बोलते हैं हम ए टी एच। बिटकॉइन अभी ए टी एच क्रिएट कर रहा है, ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है अपना। एफ ए फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी कॉइन खरीदने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट एम सी ए पी, तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जितनी भी टर्म बताई गई है वो समझ में आ गई होंगी। तो ट्रेडिंग करते वक्त आप इन बातों का ख्याल रखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। थैंक यू वेरी मच गाइज़।